गाइस hey आज हम लोग जाने वाले हैं इस पोर्टल के अंदर इस पोर्टल के अंदर कितना ज्यादा खतरा है ये मुझे खुद भी नहीं पता और हम लोग इसके अंदर से क्या ले कर के आएंगे और वहां पर क्या खो करके आएंगे बेसिकली गोल्ड ग्लो डस्ट और शायद एशियन टिपरीज भी हम लोग अंदर से ले आए और हो सकता है पिगलेन्स को मार करके हम लोगों को आर्मर और वगैरह भी मिल जाए गोल्ड की लेकिन ये तो सिर्फ एक्सपेक्ट से। तो कैसे हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं नैदर में जाने के लिए मैं इतने खतरनाक से आइटम्स पहन के नहीं जाने वाला हूँ मैं ये अपना आयरन कार्बन सर्ड लेकर के जाने वाला हूँ सो अभी हम लोग जाने वाले हैं नैदर में सो लेट्स गो मुझे खुद भी नहीं पता अंदर कैसा मुझे वर्ल्ड मिलेगा अच्छा भी मिलेगा या फिर खराब मिलेगा लेट्स गो सो अभी हम लोगों की एंट्री नेदर में हो चुकी है और ये एकदम रेड ब्लडी ब्लडी टाइप सा है खतरनाक सा और ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया यार नहीं न्यू न्यूयॉर्क आगरा रास्ता है और वहां पर सामने वाले पिगलिन रहे हैं सामने से लावा के झरने बह रहे हैं और नीचे पूरा का पूरा एक लावा का समंदर भरा पड़ा है जिसमें अगर मैं गया तो कसम से टपक जाऊंगा और हाँ गाइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में चैलेंजेस भी दे सकते हैं कि मैं किस चैलेंज को करूं और वैसे अभी हम लोग आगे वाले गोल्ड और क्वार्ट्स चल के ढूंढते हैं क्वार्ट्स नहीं सिर्फ हम लोगों को अभी गोल्ड्स और ग्लोडस्ट चाहिए अपने घर की सजावट के लिए और इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं गैस पे सामने वाले बट तक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एक तो मेरा स्पॉन बहुत ही ज्यादा बेकार आया और मैं अपने घर से डस्ट लाना भूल गया हूं। हम लोग यहाँ पर डस्ट लगा करके कर क्लाइम करते हुए सामने वाले चलेंगे कैसे अभी हम लोग बहुत सारे डस्ट लेकर आ चुके हैं बट आप लोग ये सामने देखो यार ये कैसा सा स्ट्रक्चर टाइप का है आ, वैसे भी हम लोगों को सामने जाना है तो वैसे अभी हम लोगों को कुछ ऐसे वहाँ पर जाना होगा और मैं इतनी देर से इसको डस्ट बोल रहा हूँ ये डर्ट है ओके ये तो फटाफट -फट से हम लोग ग्लो डस्ट कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कलेक्ट ओके तीन कले, भाई एक तोड़ो तो तीन दो तोड़ो भाई तीन तोड़ेंगे तब हम लोगों का एक ब्लॉक जा करके कम्प्लीट होता है ग्लो ब्लॉक वैसे इसको कहते क्या है सामने वाले पागल हो गए मुझे मारने के लिए जिसमें से एक पिगलिन नीचे टपक गया वैसे कौन बंदा है अभी अगर एक भी साइड से मार दिया ना तो डायरेक्ट लावा में जाके गिरेगा वैसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी दो ही में टपक गया और मेरे पास एक स्टैक से ज्यादा ग्लोडस्ट वहीं पर इकट्ठा हो गया वैसे अभी यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा गोल्ड मिल चुका है बस इसको लेते हुए कोई पिगलिन ना देखे वैसे उन लोगों को क्या जा रहा है यार भी पर ये, ये रहेगा वो लोग माइन इन भी नहीं करेंगे मैं प्लेयर हूँ माइन कर लेने दिया करें गोल मेरे काम आता है पागल हो गए मुझे मारने के लिए पता नहीं मेरे से इनकी क्या दुश्मनी है और यहाँ पर दो दो एक के हाथ में गोल्ड के स्वर्ड और एक यार उसको क्या कहते हैं जो बो टाइप का होता है वो चला रहा है और मुझे अभी यहाँ पर से भागना पड़ेगा और यार फॉल्ट है मैं मारा ये किसी ने मारा है भाई के बार बो वो लेकर के आये हु दूरी से बजा डालूंगा वैसे हम लोगों को पर्सेज इसको एक हेड शॉर्ट मारना और ये गया बहुत से अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही एक हेड शॉर्ट में हम लोग निपटा देंगे और आई थिंक जितने भी मुझे गोल्ड माइन करते हुए दिखे तो वो सब टपक चुके हैं से मुझे एक गोल्डन सोल्ड मिल गई और ये भाई साहब जो है वो यहाँ पर मेरा आर्मर पहने हुए मुझे पहले इस नल्ले को टपकाना होगा उसके बाद ही मैं उससे अपना आर्मर वापस सॉरी वहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी और वैसे ही वो जो शोर्ड देख रहा था वो एंचाइन गोल्डन शोर्ड थी यार वहाँ पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया जब मैंने उसको मारा और उसके बाद मुझे एक, एक गोल्डन मिली और वैसे वहाँ पर मुझे गोल्ड दिखा इसलिए मैं उसको माइन करने जा रहा हूँ कई हम लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर एंगल बना करके डिक करना होगा कई हम लोगों को वहाँ पर सामने वाले गोल्ड मिल चुका है और अब हम लोग चलते हैं इसको माइन करने वैसे वो जो बंदा वहाँ पर सामने वाला खड़ा है ना उसने और मुझको मार दिया और अब मेरा ही आयरन का आर्मर और आयरन के शोल्ड ले करके टहला यार मुझे किसी भी तरह करके अपना सारा का सारा सामान लेना है वैसे गोल्ड तो उसने चुराई लिया होगा वहाँ पर नीचे वाल मेरी बो पड़ी ओके okay, यहाँ पर बो भी है और एरो भी है और अब हम लोगों को किसी ना किसी तरह सबसे पहले तो हम लोगों को इससे छुपना होगा और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इससे दूर चलते हैं और अब यहाँ पर से बजाते हैं इसको बोही बो और मैं गोल्ड पहन करके आ गया हूँ क्योंकि ये लोग जिस भी बंदे को देखते हैं कि उसके पास गोल्ड वोल्ड है तो उसको नहीं मारते हैं और सबको कोई मारते हैं गोल्ड की चीज प्लेट यार वो वो लावा में ना जल जाए अभी गाइस मैं बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर के आया हूँ पहन के हूं। वैसे गोल्ड के आर्मर का को कोई भी फायदा नहीं होता बट ये सजावट के लिए यार सिर्फ मैं इसे पहन के आया हूँ अब देखते हैं आगे क्या होता है तो लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं और हम लोगों को डायरेक्ट अपने एक्सपी पर कूदना है और हम लोगो यार हाँ वो है मुझे लगा मेरी वो चली गई अब ये एक ही एरो का बचा हुआ है पहले हम लोग थोड़ा सा इससे दूर जा और अब हम लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं यार एक तो पहली बात मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा बेकार है हम लोग ये आयरन की प्लेट पहन लेते हैं ताकि ये हम लोगों को मारे तो उसका कम डैमेज है अबे कहाँ छुपा जा रहा है आ, अभी हम लोगों को बहुत सै ये बात सही हुई कि मेरी कोई भी चीज लावा में जाकर के नहीं जली और यहाँ पर मेरे पास इंचाइनटेड शर्ट वर्ट सब मेरे पास आ चुकी है मैंने अपने बूट्स पहन लिए हैं गैस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक आइटम फ्रेम बना लेते हैं और गाइस अभी हम लोग यहाँ पर अपनी जो इंचाइंटेड शर्ट हम लोग ले करके आए उसको इस जगह पे लगा देते हैं और जो आइटम फ्रेम पे आपको हेलमेट दिख रहा था वही मैं पहन करके गया था और जो हम लोगों का चेस्ट है उसमें हम लोग अपनी चेस्ट प्लेट भी उतार करके रख देते हैं और ये गोल्डन वाली पहन लेते हैं गाइस मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने गोल्डन चिस प्लेट चेस्प्रेड था आयरन की चीजें लिए थे और वो पर्पल वाला इफेक्ट नहीं होता और मैं लावा में गिर गया बस ये ग्लिच हो गया है क्या मेरी हेल्थ क्यों नहीं आद का मो रही लावा में तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ बट मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ वीडियो यहीं खत्म होती है इसका पार्ट टू जल्दी आएगा सब्सक्राइब करके कर कर रखना चले मिलती है बाय